अली बाबा? अली बाबा और 40 चोर वाला अली बाबा, उसका किस्सा भी निहायत अजीबोगरीब है। ए हुजूर, अभी आधी रात बाकी है, अगर मिजाजे शाना पसंद फरमाए तो ये कनीज किस्सा अली बाबा और 40 चोर सुनाए। जरूर सुनाओ, हम ये किस्सा सुनना भी पसंद फरमाएंगे। किसी जमाने में शहर बगदाद में एक सौदागर रहता था, उसके दो लड़के थे। बड़े लड़के का नाम कासिम था और छोटे का अली बाबा। कासिम बहुत तेज, चालाक और धोखेबाज था, मगर अली बाबा नेक, ईमानदार और मेहनती था। फिर एक रोज उस सौदागर का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद कासिम ने बड़ी चालाकी से सारी दौलत पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को दर बदर के ठोकरे खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। अली बाबा साबिर और शाकिर इंसान था, इसलिए उसने उफ तक नहीं की और लकड़ियां काट कर गुजर बसर करने लगा। इधर कासिम ने शहर के एक बहुत बड़े ताजर की लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम दिलशाद था। अली बाबा ने भी नौबहार नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो अली बाबा की तरह ही नेक, खुददार और मेहनती लड़की थी। उधर कासिम की जिंदगी आराम और चैन से गुजरने लगी और इधर अली बाबा था, जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, शाम को बाजार में फरोख्त करता और रूखी सूखी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता था। अली बाबा जान तोड़ मेहनत करता था, उसके एक एक निवाले में उसकी मेहनत का पसीना शामिल था। क्यों दोस्त, ये नई जगह पसंद आई तुम्हें? यहां हम पहली बार आए ना? हाँ, अच्छा अच्छा, अब समझा, तुझे भी प्यास लगी है। हाँ, थोड़ी देर और ठहर जा, देख थोड़ी सी लकड़ियां काट लेता हूं, फिर तुझे चश्मे के पास ले चल के ठंडा और मीठा पानी पिलाऊंगा। हाँ, सुना ये घोड़े की टापू की आवाज है, लगता है दुश्मन मुल्क की फौज आ रही है। तू यहीं ठहर जा, मैं छुप के देखता हूं। हाँ, सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं और इनके तेवर भी अच्छे नहीं लग रहे। सब तो इधर ही आ रहे हैं। या
खुदा, ये सब तो डाकू हैं। अरे सरदार कहाँ रह गए? वो मशरिक की जानिब से आ रहे हैं। तो जब तक हम अंदर चले? नहीं, पहले सरदार को आने दो। भाई बहुत दिनों से मेरी तलवार खून की प्यासी थी, मगर इस बार एक ही खानदान के 9 आदमियों का खून पीकर सैराब हो गई है। कितने संगदिल हैं ये लोग। मगर मुझे कुछ मजा नहीं आया यार। मैंने अपनी बर्शी एक बूढ़े के सीने में उतार दी, बूढ़ा उसी वक्त मर गया, तड़पा तक नहीं। मुझे कुछ मजा नहीं आया। लेकिन भाई कुछ भी कहो, इस बार लूट में बहुत दौलत हाथ लगी। सरदार आप कहाँ चले गए थे? हमारा मुखबिर खबर लाया है कि बसरा में दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े सौदागर आने वाले हैं, और वो हर मुल्क की नायाब और नामवर चीजें भी अपने साथ लाएंगे, और साथ में अपनी अपनी मौत का परवाना भी। क्यों दोस्तों? सिम खुल जा सिम।